स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं। शॉपिफाई बेसिकली है क्या? शॉपिफाई बेसिकली एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसा जैसे आप वर्डप्रेस को जानते होंगे कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं, हर तरह की वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे कोडिंग के थ्रू, और इसके अलावा थीम्स वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह आप उसमें इंप्लीमेंट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे आप वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। सेम इसी तरह शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को, स्टोर्स को, स्पेशली ई कॉमर्स स्टोर्स को आप क्रिएट करते हैं। ऑडियो आवाज नहीं आ रही शहाब, आपको आवाज नहीं आ रही? अली आपको आवाज आ रही है? शहाब फिर आपके माइक में इशू होगा, बाकी बाकियों को आवाज आ रही है? सबको सही आवाज आ रही है? क्लियर? फिर शाहब आपके माइक में इशू होगा, आप उसे दोबारा सही सेट करें। तो ये एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप वेबसाइट स्पेशली ई कॉमर्स से रिलेटेड स्टोर्स क्रिएट करते हैं। जैसा कि ये दराज का आप के सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है, दराज की एक वेबसाइट बनी हुई है, जैसे यहाँ पे एक स्टोर है और ऑनलाइन बाय एंड सेलिंग होती है। तो इसमें सेम इसी टाइप की हम स्टोर्स क्रिएट करते हैं उसमें शॉपिफाई के अंदर। इसके अलावा अमेज़ॉन है, अली एक्सप्रेस है, इस तरह और काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। ई कॉमर्स के सारे स्टोर बेसिकली शॉपिफाई पे ही आजकल क्रिएट हो रहे हैं ज़्यादातर। तो इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, फाइवर पे भी बहुत स्कोप है और इंटरनेशनली भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हम बेसिकली शॉपिफाई को ही इसमें स्किल्स, मैं आपको शॉपिफाई की स्किल्स दूंगा, आप इस पर स्टोर क्रिएट कर सकेंगे। आपको फिर फाइवर पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, उसमें आपको फाइवर पे काम करने का तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे काम करना है, ऑर्डर कैसे लेना है, वहाँ पे गिग कैसे पोस्ट करनी है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब कीवर्डिंग कैसी करनी है, वो तो आपको मैं सारी डिटेल समझा दूंगा। आप सबको अकाउंट भी बनवाऊंगा, गिग वगैरह पोस्ट करवाऊंगा। तो आज हम बेसिकली पहले एटलीस्ट हमें कोई स्किल इतनी आ जानी चाहिए कि हम फाइवर पे गिग बना सकें। तो अभी बेसिकली ज़्यादातर नेल ही होंगे, किसी को इतना वो नहीं पता होगा इसके बारे में, शॉपिफाई के बारे में। तो आप सब ये देख के, आप सब मतलब आप सब ने अकाउंट बनाना है जैसे अभी मैं बनाऊंगा, आपने इसको फॉलो करना है और फॉलो करके फिर आपने अपना अकाउंट बनाना है। फिर मैं आपको चीज़ें साथ साथ समझाता जाऊँगा, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। फिर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये शॉपिफाई एक होता है, शॉपिफाई जस्ट शॉपिफाई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक होता है शॉपिफाई, सिर्फ शॉपिफाई है, इसकी अपनी वेबसाइट है, ये है जहाँ पे आप जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस के लिए, अगर आप की प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ पे फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी ईमेल लगा के और फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो बेसिकली ज़्यादातर रिकमेंड ज़्यादातर जगह पे यही किया जाता है, टीचर्स यही करते हैं कि एक दो दिन उस पर लगाते हैं शॉपिफाई पे, उसके बाद मूव ऑन करते हैं शॉपिफाई पार्टनर पे। अब मैं इन दोनों का आपको फ़र्क बताता हूँ। अब दोनों का फ़र्क मैं आपको ये बताता हूँ कि एक शॉपिफाई है और एक शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम है। ये है शॉपिफाई। शॉपिफाई में इसमें यह होता है कि इसमें आप जो स्टोर क्रिएट करते हैं ना, उसमें उसको आप पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते, वो आप एज अ प्रैक्टिस ही यूज़ कर सकते हैं। उसको बनाने का यही फ़ायदा है कि आप अभी बिगनर हैं, आप वहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप स्टोर बनाएंगे लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा, आप खुद ही उसको व्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी और को वो दिखाना चाहेंगे तो आपको उसका अपनी ईमेल का पासवर्ड देना पड़ेगा जो जहाँ पर आप लगाएंगे। तो उसके लिए फिर आपको ज़ाहिर बात है ईमेल का पासवर्ड देंगे, तब अगले बंदे को वो आपका स्टोर शो होगा। लेकिन जो शॉपिफाई पार्टनर है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है। एक अपना माइक काइंडली ये म्यूट कर दें, ये किसका
उमन वजदान, ये मैंने म्यूट कर दिया जरा। तो उसमें फिर फ़र्क ये है कि उसमें आप पब्लिकली वो नहीं पब्लिश नहीं कर सकते शॉपिफाई को। यहाँ पे एक होता है शॉपिफाई पार्टनर, अब मैं आपको उसका बताता हूँ। शॉपिफाई पार्टनर ये है, शॉपिफाई पार्टनर आप शॉपिफाई पार्टनर देखेंगे पहले नंबर पे आएगा बिकम अ शॉपिफाई पार्टनर। आप इस पे क्लिक करेंगे आप शॉपिफाई पार्टनर में आ जाएंगे। जब आप यहाँ आएंगे तो फिर आपने यहाँ से इसको लॉगिन करना है, लेकिन आपका ऑफ कोर्स आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे, कोई भी आपकी मतलब है जो आप ईमेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आपकी सेकेंडरी ईमेल है वो आपकी जो प्राइमरी ईमेल है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने उस ईमेल पे ही अकाउंट बनाना है, क्योंकि उसी अकाउंट के अंदर ही आप स्टोर्स क्रिएट करेंगे, आपके सारे स्टोर आपकी सारी वेबसाइट्स इसी के अंदर होंगे। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, इतना बड़ा वो मेथड नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अपनी मेल देंगे, फिर उसको पासवर्ड आगे आ जाएगा, पासवर्ड देंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। अब ऊपर स्टोर का नाम दे देंगे तो आप उसको अपने स्टोर का कोई नाम दे देंगे, जो भी आप जिससे भी रिलेटेड बना रहे होंगे, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड बना लेंगे। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बने हुए हैं तो मैं उनमें से एक लॉगिन करता हूँ। अगर कोई किसी किस्म का इशू है, क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? चले, मेरे पास ये स्टोर्स बने हुए हैं तो मैं इनमें से एक लॉगिन करता हूँ, बाबर रियाज ये वाला लॉगिन करता हूँ। तो मेरे पास ये स्टोर लॉगिन हो गया है। ये मतलब है कि शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम का ये डैशबोर्ड है, ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा, इस तरह का व्यू आएगा, इंटरफेस आएगा जिस पे आपने फिर काम करना है। उसमें इस इंटरफेस में ये है क्या है, सबसे पहले है स्टोर्स। आपने स्टोर्स में जाना है क्योंकि आपने आपके पास कोई स्टोर होगा नहीं, आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे तो इधर ऑप्शन आएगा क्रिएट स्टोर का, तो आप न्यू स्टोर क्रिएट करेंगे। मैं आपके सामने न्यू क्रिएट करता हूँ स्टोर, उसको देख के फिर आपने फॉलो करना है और साथ साथ स्टोर बनाना है। आज मैं आपको स्टोर बनाना सिखाऊंगा और उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करनी है उसका सिखाऊंगा। तो कल हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कलेक्शंस वगैरह पे, फिर आगे थीम्स वगैरह में, बग फिक्सिंग में, फिर इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर हम इसको कर देंगे, कम्प्लीट करेंगे। ये मेरे पास से बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं जो मैं जिन पे वर्किंग कर रहा हूँ। इनमें मेरे क्लाइंट्स का भी है, ये मेरे क्लाइंट का स्टोर है जिस पे मैंने उसको फाइवर पे बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट अपना क्लियर कर रहा हूँ तो उसको मैंने ये बना के देना है। तो आपने इसमें जाना है एड स्टोर में, आपने स्टोर ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, जी बिल्कुल ये ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज होता है, बिल्कुल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ही होता है। उसमें आप ई कॉमर्स का स्टोर बना के ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप खुद उस पर वर्किंग करना चाहते हैं तो ये और भी बेस्ट है, आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट है जिस पे आप खुद काम करना चाहते हैं तो वो बेस्ट है। अगर आपके पास कोई नहीं है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप अली एक्सप्रेस या अमेजोन की प्रोडक्ट्स को घर बैठ के सेल कर सकते हैं। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होगी, तो आप घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली मतलब कि जैसे ये दराज की वेबसाइट है, ये क्या है, ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है। मतलब आप इसमें चीज़ें से बाय करते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, वो आपके घर तक आपको प्रोवाइड करते हैं, शिपिंग का काम करते हैं, तो वो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग इसको कहते हैं। ये अब्दुल कुरैशी का क्वेश्चन था तो मैंने उसका आंसर दिया। तो हमने क्योंकि करना है डेवलपमेंट स्टोर, ये हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, एक आता है डेवलपमेंट स्टोर, एक आता है मैनेज स्टोर। बेसिकली इसमें एक डिफरेंस ये है कि डेवलपमेंट में ये है कि हम खुद जो डेवलप करेंगे उसमें हम इसमें जाएंगे, डेवलप करेंगे। एक ऑप्शन वो जो भी
दूसरा ऑप्शन है मैनेज का, उसमें ये होता है कि उसमें आपको सम टाइम क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास स्टोर बना हुआ है लेकिन उसमें मेरे इश्यूज हैं, उसमें मैं मेरे एरर्स आ रहे हैं, उसमें मेरे पेमेंट का इशू आ रहा है, उसमें मतलब ऐसा तरह के इश्यूज वो होते हैं, वो बताते हैं कि मेरा ये मसला है। तो फिर आप उसको मैनेज स्टोर के लिए करते हैं कि ये, या आप मैनेज करने के लिए स्टोर ऐसा बना रहे हैं कि जो आपने खुद मैनेज करना है, जो जिसके एक्सेस आप मोर देन 10% को दे रहे हैं, आप खुद भी कर रहे हैं, आपने अपने बंदे वर्कर्स ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको मैनेज स्टोर करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली हम डेवलपमेंट मोड में हैं तो हम डेवलपमेंट ही करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट ऐप्स कर रहे हैं और उस डेमो के लिए कर रहे हैं, तो हम डेवलपमेंट स्टोर में ही जाएंगे। इसमें मैनेज स्टोर में एग्जिस्टिंग शॉपिफाई स्टोर होते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं, तो आप और लोगों को एक्सेस देते हैं, वो उसमें आपके साथ काम करते हैं, तो इसलिए हम करेंगे डेवलपमेंट स्टोर के लिए ही। तो स्टोर का सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, आप कोई भी नाम देना चाहते हैं स्टोर्स को अपना, जैसे मैं दे देता हूँ पिशावरी चप्पल का नाम दे देता हूँ सपोज करें, तो ये अनअवेलेबल है, आप साथ ऐसी वर्डिंग ऐसी लिखने जो यहाँ पे, ये देखें अब ये अवेलेबल है, यूआरएल अवेलेबल है, तो आप स्टोर का नाम चेंज नहीं कर सकेंगे, आपने इसलिए सोच समझ कर लिखना है यहाँ पे नाम, क्योंकि बाद में वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी यूआरएल इधर क्रिएट हो जाती है तो वो यूआरएल फिर चेंज नहीं होती। जैसे आपने यहाँ पे नाम दिया, साथ उसका यूआरएल खुद क्रिएट हो गया, शावरी चप्पल डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। माई शॉपिफाई ये इसकी एक्सटेंशन है, ये साथ लगी रहेगी जब तक आप समटाइम क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो बनवा लेते हैं, फिर उस पर शॉपिफाई पे आपसे बनवा लेते हैं स्टोर, फिर डोमेन परचेज करते हैं, जब डोमेन परचेज करेंगे तो फिर उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जब आप वो डोमेन परचेज करेगा फिर शॉपिफाई 50 ऑर्डर्स फ्री देता है कि आप शॉपिफाई पे स्टोर बना चुके हैं, उसमें आप खुद काम कर रहे हैं या आपको कोई कस्टमर कोई काम कर रहा है, तो उसमें ये होगा कि वो 50 ऑर्डर्स डिलीवर कर सकेगा। 50 के बाद उसे कोई प्लान परचेज करना पड़ेगा, लाइक $1000 का होता है एक प्लान होता है, $400 का और $2000 का, डिफरेंट प्लान होते हैं, उसको वो फिर परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन वो कस्टमर करते हैं, क्लाइंट्स करते हैं, मेरा अपना क्लाइंट है वो भी करता है, परचेज करता है। उसमें फिर ये होता है कि आपका कोई क्लाइंट फाइबर पे आपने किसी को बना के दिया स्टोर, उसने 50 प्रोडक्ट सेल किए हैं, फिर उसने प्लान परचेज कर लिया, प्लान परचेज किया तो उसका, अगर सपोज करें आपने किसी को ऐसा अच्छा स्टोर बना के दिया है कि उसका काम स्टार्ट हो जाता है, उसके प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती हैं, उसका काम अच्छा हो जाता है, वो प्लान परचेज करेगा, जब वो प्लान परचेज करेगा तो उसका 10% हर मंथ आपको आपके अकाउंट में आएगा, मतलब कि $2000 का वो प्लान परचेज करता है सपोज करें, तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में $200 हर मंथ आपके अकाउंट में आएंगे, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है शॉपिफाई जो अपने क्लाइंट्स को देता है। तो उसके बाद अब हम इधर ही बैठ करो, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे पासवर्ड में। पासवर्ड यहाँ पे आपने कोई यूनिक सा पासवर्ड देना है, मैं कोई पासवर्ड दे देता हूँ, मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया इसको, पासवर्ड को यूनिक से देना है, मतलब कि ज्यादा कॉमन ना हो। मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इनको अप्लाई कर लूँ। एक मिनट, एक दो स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही, मैं एक दफा दोबारा इसको करता हूँ। अब आपको आवाज आ रही है सही? अब्दुल कृषि आवाज आ रही है आपको भी? बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है, एक दो का इशू है, तो ये फिर उनका उनके एंड पे होगा। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? बाकी सारे सुन रहे हैं? यान
बाकी सब सुन रहे हैं? अब्दुल कुरैशी आ रही है। चलें ठीक है, आगे मूव करते हैं। पासवर्ड देके फिर आपने नीचे डेवलपमेंट रिव्यू में ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट स्टोर विद ट्रांसफर डिसेबल टू यूज डेवलपर व्यू, इसमें आपने इसको कभी भी चेक इन नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे चेक इन कर देते हैं, बनाते बनाते जब लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे साइन अप करते करते इसको चेक इन करते हैं। इसको चेक इन कभी भी नहीं करना, इसमें आपकी फीचर्स डिसेबल हो जाएंगी काफ़ी सारी और फिर ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। उसको आप सपोज करें आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आपने जारी बात है उसको ट्रांसफ़र करना है, तो उसको आपने उसको देना है स्टोर, तो ये फिर अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया होगा स्टार्ट में तो फिर ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। इसलिए आपने यहाँ पे कभी भी क्लिक नहीं करना, इसको चेक इन नहीं करना। ये चीज़ बहुत आपने ध्यान से जहन में रखनी है कि इसको नहीं करना, चेक इन कभी भी नहीं करना। फिर आगे स्टोर एड्रेस है मेरा ऑलरेडी बीच में लिखा हुआ है, आप भी स्टोर एड्रेस में अपना एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, कंट्री, जिप कोड, रीजन जो भी है, तो बस इतना ही काफ़ी है। वो फिर क्लाइंट के लिए जब बनाएंगे तो आपको क्लाइंट सारी ये इन्फॉर्मेशन देगा, एड्रेस, सिटी, कंट्री, वो आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। स्टोर पर्पस आगे आ जाता है कि आप ये स्टोर क्यों बना रहे हैं। तो हम अगर फ्रीलांसिंग के लिए काम करेंगे तो ऑफकोर्स हम करेंगे उसके लिए किसी क्लाइंट के लिए करेंगे, तो हम इस पे ऑप्शन पे जाएंगे बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर क्लाइंट। आगे अगर आप खुद टेस्ट कर रहे हैं, थीम को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस पे करेंगे, और अगर आप वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई एम प्लेइंग अराउंड कर लेंगे। लेकिन हम अगर हम ज़्यादातर इसी पे ही बनाना चाहिए कि हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, ताकि शॉपिफाई ये समझे कि ये बंदा किसी के लिए काम कर रहा है और स्टोर बना रहा है। तो हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे इन्फॉर्मेशन को, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। सही, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन अगर यहाँ तक है तो काइंडली पूछ लें। चलें सही है, क्लियर है। चलें यहाँ तक हो गया, अब हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है। ये आप URL में चेक कर सकते हैं, ये आप चेक करें pishavarichappal.myshopify.com, तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपना मज़ीद इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। myshopify.com है, myshopify हट जाएगा जब आप डोमेन परचेज करेंगे, लेकिन आप इसी के ऊपर वर्किंग करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन आप क्लाइंट्स जो होते हैं वो डोमेन परचेज करते हैं, तो आप खुद भी जब काम करेंगे तो आप भी डोमेन परचेज करेंगे, क्योंकि माई शॉपिफाई कुछ जचता नहीं है मतलब कि URL में। तो आप जब डोमेन परचेज करेंगे तो आपको आपके ये एक्सटेंशन हट जाएगी, .com ही रहेगा, या आप जो भी डोमेन परचेज करेंगे तो वो डोमेन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद एड प्रोडक्ट में हमारे पास ये अब जो ये डैशबोर्ड आया है, ये आया है हमारे स्टोर का। पिशावरी चप्पल मैंने क्रिएट किया है, तो ये पिशावरी चप्पल के स्टोर का हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है। सबसे पहले आज हम होम है, इसमें होम में डिस्कस करेंगे कि होम में क्या क्या चीज़ें। तो इसमें ये है कि यहाँ से हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, कस्टमाइज थीम करते हैं, तो मेन बेसिकली चीज़ होता है प्रोडक्ट ऐड करना सबसे पहले, क्योंकि हम जब भी कोई स्टोर बनाता है तो वो प्रोडक्ट ही ऐड करता है। जी डोमेन वेबसाइट के एग्जैक्ट नाम से ही होगी ना आप डोमेन, मेरा कहने का मतलब ये था कि शॉपिफाई आ जाएगा। अब जब डोमेन परचेज करेंगे, जो डोमेन अवेलेबल होगी, आप पिशावरी चप्पल की डोमेन परचेज करेंगे तो पिशावरी चप्पल में कोई भी डोमेन जब अवेलेबल होगी तो आप वही परचेज करेंगे ना, तो वो तो एज इट इज़ तो नहीं हो सकता कि आपने पिशावरी चप्पल लिखा है और आप डोमेन में जाएंगे तो मोबाइल शॉपिफाई हट जाएगा तो बाकी मिल जाएगा, इस तरह नहीं। वो फिर जो भी डोमेन अवेलेबल होगी वो उसके लिए ही होगी। तो जितनी भी मतलब है सम टाइम ऐसा होता है कि डोमेन अवेलेबल ही नहीं होती, तो फिर आपको वर्डिंग चेंज करनी पड़ती है, स्टोर का नाम चेंज करना पड़ता है, इस तरह फिर वो उस हिसाब से फिर परचेज करनी पड़ती है। लेकिन ये हट जाता है, ये एक्सटेंशन जो शॉपिफाई की एक्सटेंशन है ना डोमेन के साथ, ये हट जाती है।
तो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास है प्रोडक्ट ऐड करना कि हमने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। ये होम है, होम होम को हम आज तक साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये मतलब कि यहाँ पे ईमेल को आपको आपके पास जब आप उस पर क्रिएट करेंगे तो आपके पास ईमेल जाएगी, तो आपने उसको कंफर्म कर देना है ईमेल को। फिर आगे ये है कि योर स्टोर इज़ नॉट ओपन येट, आपने यहाँ से पासवर्ड डिसेबल कर देना है। ये पासवर्ड डिसेबल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप पासवर्ड डिसेबल करेंगे तो आपका स्टोर जो लिंक होगा ना सब कुछ शो होगा। आप अपना ये यूआरएल किसी को भी भेजेंगे ना तो उसको आपका स्टोर क्लियर नज़र आएगा, तो वो आपके स्टोर को विजिबल वो आपका स्टोर विजिबल होगा। तो आप यहाँ से इनेबल पासवर्ड, आप जो ही डिसेबल पे जाएंगे तो वो ये ऑप्शन ये वाली पेज ओपन होगा, तो आपने यहाँ से इसको इनेबल हुआ है तो इसको आपने डिसेबल कर देना है। आप इसके बाद इसको सेव करेंगे, इसके बाद ये आपका जो स्टोर होगा वो ऑनलाइन विजिबल होगा। होम पे जाएं, इसके बाद डिसेबल पासवर्ड हो गया। यहाँ पे पेमेंट का तरीका है वो ऐड करेंगे वो, लेकिन बाद में करेंगे, तो बाकी चीज़ें हम आस्ते आस्ते इसको कवर कर लेंगे। तो आज हम प्रोडक्ट ऑर्डर्स का है, यहाँ पे ऑर्डर्स मैनेज करते हैं। जो भी आपको ऑर्डर आएंगे तो वो यहाँ पे मैनेज होते हैं, आपके पास कितने ऑर्डर आए हैं उसको मतलब है यहाँ पे मैनेज करना होता है स्टोर के अंदर। जो ऑर्डर आते हैं तो ये ड्राफ्ट में जो ऑर्डर पड़े होते हैं ये उनके, और जो अबंडेंट चेकआउट्स होते हैं मतलब कि आपके किसी कस्टमर ने आपके स्टोर पे आया है, उसने ऑर्डर किया है लेकिन चेकआउट करके छोड़ दिया, उसने ऐड टू कार्ट किया है चेकआउट करना भूल गया, तो वो पे यहाँ पे जो यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर आप उनको आगे ईमेल करना चाहेंगे या जो भी होगा वो आगे आप आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे। तो प्रोडक्ट्स में जाएंगे, हमारे पास अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। सपोज करें यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में करता हूँ, अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कोई फाइल बना के, आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो वो आप पूरी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने पिछावरी चप्पल के नाम से बनाया है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पिछावरी चप्पल से रिलेटेड ही कोई ऐड करता हूँ। सपोज करें मैं कप्तान, टाइटल सबसे पहले टाइटल है, टाइटल मैं देता हूँ कप्तान चप्पल का, कप्तान चप्पल। यहाँ पे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, जो भी आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। डिस्क्रिप्शन में आप मतलब के बता देंगे कि हैंडमेड है। सपोज करें मैं इस प्रोडक्ट का करता हूँ हैंडमेड, स्टाइलिश, रिलायबल। इसी तरह मतलब कि आप जितने भी आप इसको आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे उनको हेडिंग दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, मतलब ये चीज़ आपको आती ही होगी, तो आपने यहाँ से उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। नहीं, कस्टमर को हम ऐड करके देंगे ना, कस्टमर को तो ऐड करना नहीं आता होगा, कस्टमर आपको खुद प्रोडक्ट्स देगा। आपने उसको वीडियो इनेबल और डिसेबल की समझ नहीं आई, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपने उसको इनेबल और डिसेबल कैसे करना है, वो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। सस्ते प्लान्स में तो वो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो डिसेबल, वो प्रीव्यू का होता है कि आपका स्टोर विजिबल, पासवर्ड प्रोटेक्टर प्रोटेक्टेड हो जाता है कि आप किसी को लिंक भेजते हैं तो वो आपका विजिबल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कोई भी टाइटल दे के डिस्क्रिप्शन देंगे, यहाँ पे उसकी पिक्चर्स ऐड करेंगे प्रोडक्ट की, जो आपके पास पिक्चर्स होंगी। सपोज करें मेरे पास आई थिंक पिक्चर्स पड़ी हैं, जी मेरे पास ये पिक्चर्स बढ़िया हैं, मैं सपोज करें एक ऐड कर देता हूँ। आप जितनी मर्जी ऐड करें, जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी अच्छी बात है। ये तो आप अगर अपने लिए स्टोर बनाएंगे तो आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, जाहरी बात है, और अगर आप किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो वो आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्ट्स का पिक्चर्स, उनकी डिस्क्रिप्शन, वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। कुछ होते हैं नील होते हैं, बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता होता लेकिन वो बनवाना चाह रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं कि मुझे बना दो, खुद ही सारा कुछ कर दो, फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको स्टोर तैयार करके देते हैं।
मैंने एक स्टोर तैयार किया हुआ है, मैं आपको उसका भी विजिट करवा दूंगा, वो आपको चेक करवाऊंगा। तो ये आपने उसकी पिक्चर्स जहाँ पे ऐड करनी है, काफ़ी सारी ऐड कर दें, 2-3-4 कर दें जो भी आपके है। तो यहाँ पे आपने अब आ जाती है प्राइसिंग। प्राइसिंग में सबसे पहले ये प्राइस से वो प्राइस लिखनी है जो जिस पे आपने सेल करना है। सपोज करें मैं उसको सेल करना चाहता हूँ 3000 की, तो मैं 2299 कर देता हूँ। कंपेयर एड प्राइस, ये काफ़ी सारे बच्चों को इसका नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। कंपेयर एड प्राइस ये वो है कि जैसे आप द्राज पे जाते हैं या किसी और स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पे वो लिखा होता है कि कंपेयर एड प्राइस का, वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया होता है। तो वो एंड हो जाती है यहाँ पे। आपने सपोज करें प्राइस आपने लिखी है, यहाँ पे आप आ जाते हैं कंपेयर एड प्राइस। इसका मतलब ये है कि सपोज करें आप 3000 की बेच रहे हैं, आपको पता है कि मार्केट में ये चीज़ 4000 की बिक रही है, तो आप ये कर देते हैं कि मार्केट में ये 4000 की है और मैं आपको 3000 के ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको 1000 रुपये का, आपको आपके 1000 रुपये सेव कर रहा हूँ। तो ये वो होती है कंपेयर एड प्राइस के, मार्केट में इसका प्राइस ये है लेकिन मैं आपको इतने की दूंगा। तो फिर आप जब इसको, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जब ये शो कैसे होती है। तो आपने ये हमेशा कंपेयर एड प्राइस हमेशा ज़्यादा लिखनी है कि आपने अपनी जो प्राइस लिखी है उससे हमेशा कंपेयर एड प्राइस ज़्यादा लिखनी है। ये ज़्यादा होगी तो ही आपका क्लाइंट जो आपके कस्टमर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, वो कहेंगे कि यार ये बाकियों पे 4000 की मिल रही है, इस स्टोर पे हमें 3000 की मिल रही है, तो वो फिर परचेज करते हैं, ऑर्डर करते हैं। वो आपकी अब्दुल कैशी आपने पूछा है एक बार में कितनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, तो वो आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स लगाएं, आपका स्टोर है, आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स उसमें लगाएं और डिस्काउंट जितना आप देना चाहें आप दें। आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए स्टोर बनाएं, उसको उसके लिए डोमेन परचेज करें, उस पर काम करें। फिर आगे मैं आपको अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स पे काम करना बताऊँगा कि आप अली एक्सप्रेस के स्टोर पे कि उसके प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका भी बताऊंगा। प्रोडक्ट्स आप जितनी मर्जी ऐड करें, पिक्चर्स भी जितनी मर्जी लगाएं। तो कॉस्ट पर आइटम, ये ऑप्शन आता है कि आपकी कॉस्ट कितनी है, मतलब आप 3000 की चीज़ बेच रहे हैं लेकिन आपकी उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है। ये कस्टमर्स को ये चीज़ नज़र नहीं आती, ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, कस्टमर्स वॉन्ट सी दिस, कस्टमर को ये चीज़ नज़र नहीं आती। ये शॉपिफाई अपने अपने एंड के लिए वो करता रहता है कि आप हमें बता दें कि आप कितना मार्जिन ले रहे हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जितने भी कर दें। सपोज करें मैं 2500 लिख देता हूँ कि मेरा खर्चा 2500 है और ये बता देगा कि आपका मार्जिन इतना आ रहा है और आपका प्रॉफिट इतना आ रहा है, आप 16% इस पर मार्जिन रख रहे हैं और आपको प्रॉफिट एक प्रोडक्ट के साथ 499 रुपये आ रहा है, तो चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। वो आपकी मर्जी है, वो मतलब जब आप बड़े लेवल पे आप करेंगे तो उसके लिए टैक्स तो होगा, जाहिर बात है, तो वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन आप अभी वैसे क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसको बेशक चेक इन ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आ जाती है इन्वेंट्री, ये ऑप्शन आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में दो चीज़ें हैं, एक है SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट और दूसरा है बार कोड। काफ़ी सारों को पता होगा, काफ़ी सारों को नहीं भी पता होगा कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सपोज करें आप किसी स्टोर में जाते हैं, मदीना कैश एंड कैरी में जाते हैं या किसी और बड़े स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और जो उनका कैशियर बैठा होता है, आप उस पर ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप वर्कर को आवाज़ देते हैं, वो फौरन एक मिनट में, इतना बड़ा स्टोर होता है, वो फौरन एक मिनट में उस प्रोडक्ट के पास कैसे पहुँच जाता है, आपने कभी सोचा है ये चीज़? जैसे आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं या इसमें स्टेशनरी स्पेशल स्टेशनरी शॉप्स में जाते हैं या ग्रॉसरी आइटम्स में जाते हैं, उसमें शॉप में जाते हैं, तो वो जो भी आप उसको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो फौरन उसी पॉइंट पे क्यों जाता है, उसको पता होता है, उन्होंने स्टॉक कीपिंग यूनिट्स लगाए होते हैं। सपोज करें मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है कप्तान चप्पल, इसको मैं सपोज कर देता हूँ पेशावरी कप्तान चप्पल, सपोज करें मैं इसका टाइटल देता हूँ पेशावरी कप्तान चप्पल। अब मैंने इसको ये टाइटल दिया और मेरे पास इसमें है मस्टर्ड कलर, ये मैंने मस्टर्ड कलर में लगाई हुई है, कैमल कलर में, तो ये प्रोडक्ट मैं ये लगा रहा हूँ। तो अब स्टॉक कीपिंग यूनिट है, स्टॉक कीपिंग यूनिट मैं इसको अपनी मर्जी का दे सकता हूँ। सपोज करें मैंने लगाया है पेशावरी कप्तान चप्पल, तो मैं ये लगाऊंगा पी फॉर पेशावरी कप्तान, के फॉर कप्तान, सी फॉर चप्पल, और मेरे पास कौन सा कलर है अभी, मैं मस्टर्ड कलर पे या कैमल, आप जो भी है, मस्टर्ड सही है, तो मैं एम
कर दूंगा मस्टर्ड, या आपके पास सपोज करें सम टाइम वर्डिंग ऐसी हो जाती है कि दो कलर एक जैसे आ जाते हैं, जैसे ब्लैक है ब्राउन है, तो आप उसके लिए ब्लैक के लिए बी एल कर दें और ब्राउन के लिए बी आर कर दें, तो आप अपनी मर्जी का ये स्टॉक स्टॉक कीपिंग यूनिट लगा सकते हैं। तो मैं अभी मस्टर्ड भी कर रहा था तो मैं एम यू कर दूंगा। आपने एक सिंगल वर्ड पे करना है तो वो भी ठीक है, डबल पे करना है वो भी ठीक है, तो मैंने ये कर दिया पी के सी एम यू, पशावरी कप्तान चप्पल मस्टर्ड। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया कि जब मुझे ऑर्डर आएगा तो उसके ऊपर ये स्टॉक कीपिंग यूनिट लिखा होगा तो मुझे फौरन पता चल जाएगा कि ये मुझे किस चीज़ का ऑर्डर आया है, पिशावरी कप्तान चप्पल मस्टर्ड कलर में मुझे उसका ऑर्डर आया है। आगे बार कोड है, बार कोड आप ऑनलाइन भी गूगल से भी कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन जैसा बार कोड भी उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है स्टॉक कीपिंग यूनिट आप लगा दें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। साथ है ट्रैक क्वांटिटी कि आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी है 1000, आपके पास 1000 पीसेस पड़े हैं, तो सपोज करें वो आपके 500 बिक जाते हैं तो पीछे 500 रह जाते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन पे चेक इन किया होगा तो आपको वो ट्रैक हो रही होगी, तो कि आपके पास इतने पीस रह गए हैं, इतने पीस रह गए हैं, वो आपको साथ साथ इन्फॉर्म शॉपिफाई बताता जाएगा, लेकिन अगर आप इसको चेकआउट कर देंगे तो ये आपको नहीं बताएगा, ये आपकी ट्रैक नहीं करेगा, आप ट्रैक ही करने देंगे तो ठीक है। इसके अलावा नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, कि जब आपकी प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है, आपके 1000 प्रोडक्ट 1000 पीसेस थे, 1000 पीस एंड हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने क्या ऑप्शन करना है, आप कर दें कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप ये करेंगे तो इसका मतलब यह है कि कस्टमर्स को नहीं पता चल रहा होगा और उसको आप वो लगातार ऑर्डर कर रहा होगा, आपको ऑर्डर मिल रहे होंगे, आप समझते हैं कि एक दो दिन में सारे सामान आ जाएगा, मैं दोबारा इनको दे दूंगा, तो वो सही है। अगर आप समझते हैं कि लेट हो जाएगा आएगा नहीं तो आप इसको चेकआउट कर दें, तो ये फिर वो सेलिंग वो वहाँ से हट जाएगा, कस्टमर को ये चीज़ शो नहीं होगी। उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपके पास जितनी अवेलेबल होगी आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद है शिपिंग, आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपने यहाँ पे चेक इन करना है कि मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे मैं पिशावरी चप्पल का कर रहा हूँ तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है, इसका वॉल्यूम है, इसका मैस है, इसकी सारी चीज़ें हैं। अब्दुल कुरैशी मैं आपको बताता हूँ, बार कोड का मैं आपको बता देता हूँ, आप सपोज करें गूगल में जाते हैं, बार कोड आपको यहाँ मिल जाता है, बार कोड रीडर और बार कोड जनरेटर, ये ऑनलाइन बार कोड जनरेटर हैं जहाँ पे आप बहुत सारे पड़े हैं, आप कोई भी इसमें से जो सबसे बेस्ट है यही है मेरे ख्याल में बार कोड जनरेटर, आप इसमें जाते हैं, इसमें अपने बार कोड आप जनरेट कर सकते हैं। ये देखें जी, आप जहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है पिशावरी कप्तान चप्पल मस्टर्ड, तो ये उसको बार कोड जनरेट करेगा। ये ऊपर ये देखें, ये आपको नज़र आ गया पी के सी एम यू पिशावरी कप्तान चप्पल मस्टर्ड, ये बार कोड जनरेट हो चुका है। अब मैं इसको लिंक कर दूंगा, एम्बेड करना चाहता हूँ अपने स्टोर में या लिंक करना चाहता हूँ तो ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, एम्बेड करना है तो यहाँ पे उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी, बटन लगाना पड़ेगा, ये HTML का है, तो आप इसको लिंक कर दें या इसको कॉपी कर दें, इसमें और भी ये काफ़ी चीज़ें आती हैं, एम्बेडेड करना है तो ये आपके पास आ जाता है। एम्बेडेड का मतलब यह है, आप लिंक का मतलब यह है कि आप अपने स्टोर के अंदर ये लिंक डाल दें, इसको कॉपी करें और अपने स्टोर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दें ऊपर बार कोड के ऑप्शन में, ये है एक ये ऑप्शन है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा कोडिंग का होता है, एक है कोडिंग का कि आप अपने इसके अगर सपोज करें आपने HTML पे बनाई हुई है साइट या वर्डप्रेस पे बनाई हुई है तो उसमें आप फिर उसको कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं अपनी कोडिंग के अंदर, ये HTML का वो कोड है, और ये आप बटन के ऊपर लगाना चाहते हैं बार कोड तो ये भी HTML के लिए है, तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई ज़्यादातर इसको ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट की, तो ये ज़्यादा बेस्ट समझा जाता है।
अभी हमारा ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो उसके बाद मजीद मैं एक दोबारा लिंक आपको शेयर करूंगा और फिर दोबारा होगी। अभी इसमें एक मिनट रह गया, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलें सही है, क्लियर है। अभी ये लेक्चर एंड होने ही वाला है तो मैं दूसरा आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। अभी मेरे लेक्चर यूट्यूब पे